मैं जनाब मोहम्मद वलीउल्लाह समीर साहब चीफ एडिटर इंडियन न्यूज नेटवर्क से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जनाब उत्तम कुमार साहब की शालकोशी करें और बुके पेश करें। जनाब समीर साहब जो इंडियन न्यूज नेटवर्क के चीफ एडिटर हैं और आज के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं, उनकी ख्वाहिश वो जनाब एमए माजिद साहब की तहनीत पेश करें जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली मरतबा उर्दू के वर्किंग जर्नलिस्ट जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन मुंतखब हैं उनको तहनीत पेश करेंगे। समीर साहब से ख्वाहिश करता हूँ वो हमारे अजहर फैज मोहम्मद अजहर साहब की शालकोशी वो क्या पेश करें। उसके बाद आखिर एक और बाकी है सिर्फ जनाब समीर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो गौस मुहिद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी को शालकोशी करें। मैं जनाब एमए माजिद साहब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन से ख्वाहिश करता हूँ कि आज जो मौजूद मेहमान जब्बर साहब तशरीफ लाए हैं उनको उनके लिए बुके पेश करें। कर्नाटक के एमएलसी हैं मैं जनाब एमए माजिद साहब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ख्वाहिश करता हूं कि खैर मकदम करें। कर्नाटक के हमारे मेहमान और मेरे साथियों ये मीट द प्रेस देखिए कल भी एक मीट द प्रेस था और भी मीट द प्रेस है। ये मीट द प्रेस क्यों इतने किए जा रहे हैं इसके बारे में दो तीन मिनट बोलता हूँ क्योंकि साबका वक्त बड़ा कीमती एक एक सेकंड काउंट हो रहा है। सी देखिए लॉट ऑफ यू नो क्यूरियोसिटी है लॉट ऑफ वेरिफिकेशन है। अब तक नरेंद्र मोदी से पहले कोई भी इस देश को खुलेआम रिलीजन पर डिवाइड करना चाहते हैं खुलेआम माइनॉरिटीज को हैरेस करना चाहते हैं खुलेआम माइनॉरिटीज का पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करना चाहते हैं। अगर इस बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी फिर आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल देगा फिर माइनॉरिटीज का क्या हाल होना एक बार सोच लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दिल्ली से हटाना है ही हैज टू बी पुल्ड डाउन फ्रॉम हिज चेयर फिर केवल राहुल गांधी साहब कर सकते हैं। ओनली राहुल गांधी कैन डिफीट नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी। क्या केसीआर साहब कर सकते हैं क्या ओवैसी साहब कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल देख रहा था दिल्ली में अमित शाह से मिल रहे हैं और उनकी जो पॉलिटिकल स्टेप्स है अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में बिहार में कर्नाटका में वो माइनॉरिटीज की वोट अट्रैक्ट करके बीजेपी को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या स्पष्ट रूप से माइनॉरिटीज को मैं अपील करता हूं समझनी चाहिए केसीआर और ओएसी दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप टीआरएस को वोट डालिए वो बीजेपी को देने के बराबर है।
आप एमआईएम को वोट डालिए तो बीजेपी की मजबूर करने की स्टेप है। मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं मेरे मुसलमान भाई बहन, आप कांग्रेस को मदद करिए, हम आपके साथ रहेंगे। हम आरओ एनकाउंटर का पूरी रिपोर्ट बाहर निकालेंगे, हम मक्का मस्जिद ब्लास्ट का हॉस्पिटल पे अपील डालेंगे, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम माइनॉरिटीज के लिए माइनॉरिटी सब प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। माने माइनॉरिटीज की जितने पॉपुलेशन परसेंटेज है उस पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब बजट एलोकेशन होगा। ये हर साल एक नक्षत्र सब्सटेंशियल इश्यूज पे जहां मुस्लिम कम्युनिटी की बेनिफिट होगी वहां कुछ भी किया गया एक बार सोचनी चाहिए। मैं चार पांच इश्यूज रिजर्वेशन के बारे में जो इतने बात किए 2014 में उसके बाद भी आज भी असेंबली ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट किया है, क्यों इसके बारे में बात नहीं कर रहा, जवाब देनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बात बोले, टॉर्च देंगे, वर्क प्लान वापिस लेंगे, आज तक क्या 4.5 साल में आप 4.5 गज वर्क प्लान वापस लिए क्या? क्यों? क्या आप जो वर्क प्लान इंक्रोचमेंट हुआ है क्या उनसे कुछ आपसे कुछ मतलब हो गई? क्यों कम से कम जो कोर्ट में केसेस है वो भी उन्होंने परसों नहीं किया? सेंट्रल वर्क काउंसिल हैज रिकमेंडेड सीबीआई इंक्वायरी इन टू वर्क प्लान। सेंट्रल वर्क काउंसिल इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन April 23, 2018 हैज ऑल्सो आस्क फॉर सीबीआई इंक्वायरी। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं, सेंट्रल वर्क काउंसिल ऑन 23 April 2018 हैज आस्क फॉर सीबीआई इंक्वायरी। मैं बता चाहता हूं, मैं जो फैमिली से आता हूं, मेरे फादर और पूरी फैमिली मेंबर्स, उनकी पढ़ाई भी उर्दू लैंग्वेज में है, अच्छे उर्दू बोलते हैं, अच्छे उर्दू लिखते हैं भी। उर्दू के बारे में केसीआर साहब बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों के साथ क्या उर्दू लैंग्वेज पे मुसलमानों की मजाक कर रहे हैं क्या? वो उर्दू अकेडमी चेयरमैन अपॉइंट करते हुए September 5, 2018 और असेंबली को डिसॉल्व करते हैं September 6, 2018 4.5 साल के बाद अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करने की एक दिन पहले उर्दू अकेडमी चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूं आप चेक कर लीजिए। क्या ये साथ कर रहे हैं क्या? उर्दू अकेडमी में कोई फंड्स नहीं, उर्दू अकेडमी में कोई स्टाफ नहीं है। इतना बात करने वाले चीफ मिनिस्टर 4.5 साल में एक भी जीओ एक भी प्रेस स्टेटमेंट उर्दू में नहीं रिलीज करते हैं। गवर्नमेंट एक भी उर्दू टीचर अपॉइंट नहीं किया, एक भी ट्रांसलेटर अपॉइंट नहीं किया, ये रिलेटेड जॉब्स एक भी वैकेंसी फिलअप नहीं किए। अब फंड्स की बात करेंगे, मैं एग्जैक्ट फिगर्स दे रहा हूं, टोटल 4.5 साल में केसीआर साहब ने खर्च किए थे 6.75 लाख करोड़ में टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन मुस्लिम्स वॉज 3,114 करोड़, 6,75,000 करोड़ में हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहेगी 3,114 करोड़ स्पेंड किए, मानी टोटल अमाउंट
0.46% था। अब इतना बात करने वाले साहब, अरे 12% ने सोचो नरेंद्र मोदी ने रोक दिया। क्या किसने आपको 12% बजट खर्चा करने के लिए किसने रोका आपको? एक जवाब दीजिए केसीआर साहब, आपको मुसलमानों का वोट माइनॉरिटी वोट मांगने का हक नहीं है। 0.46% मैंने खर्चा किया था। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कभी चाहिए, आधा डिपार्टमेंट स्टाफ वेकेंसी है। बहुत बार हमने असेंबली में रेज किया था, वो वेकेंसी आज तक भरी नहीं। एक बहुत बड़ी बात बता, जब हम गवर्नमेंट में थे कांग्रेस में, माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जफर जरद साहब भी बताएंगे, हमने बहुत इंकरेज किया था इसमें, माइनॉरिटीज के प्रमोटर्स को भी और माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स को भी बहुत लाभ हुआ था। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, उनको फीस रिइंबर्समेंट हो गई। 90% ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन केसीआर साहब की नेग्लेक्ट के कारण बंद हो गए। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। 90% ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर क्लोज ऑन तेलंगाना बिकॉज ऑफ केसीआर। फीस रिइंबर्समेंट नहीं। नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ईयर ऑन ईयर हर साल माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट खत खतते हुए गए। एक बार भी केसीआर साहब अपने गुरु नरेंद्र मोदी को कम से कम पूछे नहीं, क्यों आप इस देश की माइनॉरिटीज वेलफेयर की बजट ईयर ऑन ईयर अब रिड्यूस करते गए। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। माइनॉरिटीज की ये करूंगा वो करूंगा, मैं फिगर्स बता रहा हूं आपको। सो फार ये लोन कम सब्सिडी स्कीम में माइनॉरिटीज 53,906 मुस्लिम चिल्ड्रन हैव अप्लाइड फॉर लोन कम सब्सिडी स्कीम, अप्रूव हुए 14,544, सैंक्शन हुए 8,000।